ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में इफ फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इफ कमांड का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि इफ कमांड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतर लॉजिकल बेस प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए होती है, लॉजिक को डेवलप करने के लिए होती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कमांड है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो हमारी कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग होती है उसका भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो आप सीखते हैं कि एफ कमांड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं, और यहाँ पर अगर हम इफ़ लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये होगा तो ट्रू होगा, अगर इसका गलत होगा तो फॉल्स आएगा। अब इसमें ब्रैकेट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक, तो ये उसको टेस्ट करेगा, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट करेगा कि अगर ये कंडीशन उससे मैच करती है तो आंसर हमारा ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आए। अभी कैसे प्रयोग करेंगे इसका एक उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पर डाटाबेस बनाया है, जिसमें मंथली बजट के डेटा है यहाँ पे। इसमें एक्सपेंसेस, एक परिवार का जो खर्च है एक्सपेंसेस, होटल, कार, फूड और एयरफेयर यहाँ पे दिखाया गया, और बजट जैसे 9000, 4000, 9000 और 25000 यहाँ पे दिखाया गया बजट। खर्च जो हो रहा है महीने का वो है, जैसे यहाँ पे तो बजट है 9000 का और खर्च हो रहा है 1000, इसका मतलब अमाउंट ओवर हो रहा है, माइनस 1000 इसमें ज़्यादा हो रहा है। ऐसी यहाँ पे 4000 है तो एक्चुअल है 3000, तो इसमें सेविंग हो रही है 1000 की, ठीक है। यहाँ पे 9000 है और 8500 है, इसमें भी सेविंग 500 की हो रही है। इसमें 25000 है और 30000 का हमारा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये माइनस 5000 आएगा। तो इसको निकालने के लिए भी यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है। तो आप ये देख रहे B4, ये जो सेल है हमारा, ये B4 ये वाला, माइनस यहाँ पे C4, इससे हमने इसको माइनस किया तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दिया तो ये हमारा, इससे इसका अंतर यहाँ पर आ गया। अब हमें स्टेटस निकालना है तो इसके लिए एक लॉजिक लगेगा, वही इफ कमांड लगेगा। अब कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से इसका फॉर्मूला लगाया, ये जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ फार्मूला लगा रखा है, बराबर इफ ब्रैकेट में B4, आप देख रहे हैं ये B और ये 4 है और ये हमारा सेल है B4। अगर B4 की संख्या ग्रेटर होती है C4 से, इससे ज़्यादा होती है तो ओवर बजट आएगा। अगर ये संख्या हमारी इससे ज़्यादा हुई तो ओवर बजट आएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो ये ज़्यादा है, अभी ये कम है, लेकिन लॉजिक में देखिए आप, B4 संख्या हमारी C4 से अगर ज़्यादा होती है तो ओवर बजट आएगा, और अगर उससे कम रहती है तो विद इन बजट आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि डबल एस्ट्रिक साइन, डबल मतलब इन्वर्टेड कॉमास है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास है, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर आपने छोड़ दिया, कॉमा लगाना छोड़ दिया या इन्वर्टेड कॉमा लगाना छोड़ दिया तो एरर आ जाएगी फॉर्मूले में। तो इसका बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी फॉर्मूले में हमें इसका कैसे प्रयोग करना है। तो जैसी मैंने करा, देखो ये हाईलाइटेड हो गया, दो वैल्यूज हाईलाइटेड हो गई, B4 हो गए ब्लू में और C4 हो गई रेड में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो ये हमारा आ गया ओवर बजट। क्यों आया ओवर बजट, हमने जो लॉजिक लगा रखा था कि बजट तो 9000 है और खर्चा हमारा 10000 हो रहा है, तो ओवर बजट हो गया क्योंकि माइनस 1000 में चले गया। अब हम दोबारा भी यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन बार बार फार्मूला लिखने से हमें हमारा समय बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो इस एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फार्मूले को ही नीचे ड्रैग कर लो, तो वो क्या करेगा, इन फील्डों को अपने आप चेंज कर लेगा। जैसे यहाँ से हम ड्रैग करते हैं, देखिए अब, तो देखिए ये वाला जो वैल्यूज थी, कार
बजट 4,000 है हमारा और खर्च 3,000 हो रहा है, सेविंग हमारी 1,000 हो रही, तो विद इन बजट में है, ये हमने लॉजिक लगाया। इस प्रकार दूसरा फूड 9,000 हमने रखे थे, खर्चा 8,500 है, तो ये भी हमारा बजट में आ गया विद इन, क्योंकि सेविंग 500 है। लेकिन एयरफेयर्स में हमने 25,000 बजट रखा था, खर्चा हमारा 30,000 हो गया, तो ये ओवर बजट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है लॉजिक। इसी लॉजिक के आधार पर आप मार्कशीट बना सकते हैं, उसमें आप ग्रेड निकाल सकते हैं बच्चों के, उसमें आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो इफ कमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण कर दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर बनाया, आप देख रहे हैं ये, तो इसमें बहुत जगह पे इफ कमांड का प्रयोग किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है इफ कमांड, अगर इफ कमांड इससे मैच करती है तो उसको राउंड करे और ये करे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, दूसरा मैंने यहाँ पे कर रखा है, फिर फॉर्म 16 इसमें बनाया गया इनकम टैक्स में, यहीं पे ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है सारा फॉर्म 16 को, यहाँ पे हाइपरलिंक है। इसी प्रकार टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, टैक्स कैलकुलेट कैसे कर लेगा, ये जब फॉर्मूलेज हम इसमें लगाएंगे तो ये सारी फाइलों को एक से साथ कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे देखो लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे भी इफ कमांड लगी हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इफ कमांड आप सही ढंग से लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो आगे आप इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आप, ये पूरा पे रोल यहाँ पे डेवलप हो रखा है, यहाँ पे ट्रेजरी से जो तनख्वाह हमें प्राप्त होती है उसका पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना हुआ है एक्सेल में। तो ऐसी सारी चीज़ें आप भी इस पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय पे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे भी आपको नई नई चीज़ें बताएंगे। तब के लिए धन्यवाद।